नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2019 में नेक्स्ट जनरेशन मैरिटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज का आदेश पास कर दिया था, जिसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ फिट किया जा सकता है। इसे कोस्ट पे यानी कि तट पर डिप्लॉय किया जा सकता है। हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कंटेनराइज्ड मिसाइल सिस्टम को 2022 के अंत तक इंडक्ट कर दिया जाएगा। कैनेस्टराइज्ड मोबाइल सिस्टम एक हाईली एजाइल, इजी टू मूव और इजी टू ऑपरेट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे तट से ऑपरेट किया जा सकता है और ये दुश्मनों के नेवल वारशिप के खिलाफ काफी प्रभावी होगा। और इस कैनेस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम को ऑक्सिलरी सपोर्ट शिप और ऑयल टैंकर्स के साथ साथ कार्गो शिप पर भी माउंट किया जा सकता है, जो कि दुश्मनों के वारशिप के खिलाफ अटैक भी कर सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आज भारत ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड INS मोरमगांव को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जिसे कि नेवल वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने इसे तैयार किया है। इसमें 75% यानी कि 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। 7400 टन वजनी ये डिस्ट्रॉयर, इसमें आधुनिक सेंसर, मॉडर्न रडार और आधुनिक हथियार जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लगाई गई है। और यही नहीं दोस्तों, ये एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो भी दाग सकता है। इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने की भी क्षमता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना के पास दो तेजस Mk1 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन अब इन्हें Mk1 से Mk1A स्टैंडर्ड में बदले जाने की जरूरत है, जो कि एक बेहतर सुधार और नए फीचर्स के साथ सामने आएंगे। आपको बता दें कि पहला स्क्वाड्रन तेजस Mk1 फाइटर जेट का जुलाई 2016 में इंडक्ट हुआ था, लेकिन अब इनकी सर्विस जो है वो 2023 से शुरू होगी, यानी कि इंडक्ट होने के 8 साल के बाद, जिसमें कि अपग्रेडेड Mk1 वेरिएंट को Mk1A में बदला जाएगा 2025 से, जब LCA डिवीजन की प्रोडक्शन लाइन पूरे जोरों पर होगी, जिसमें कंपोनेंट्स और सबसिस्टम भी Mk1A के लिए उपलब्ध होंगे बड़ी संख्या में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि बेहतरीन अपडेट मानी जा सकती है। दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीस की एयरफोर्स ने एक डॉग फाइट आयोजित की थी अपने राफेल फाइटर जेट और F-16 ब्लॉक 52 वाइपर की, जिसका इस्तेमाल टर्की और पाकिस्तान भी करते हैं। यहां पर दोस्तों राफेल फाइटर जेट विजेता बना और ये जो डॉग फाइट थी वो हाईली कंटेस्टेड फाइट थी। ट्विन इंजन राफेल विमान को हर एल्टीट्यूड पर बढ़त मिली, इसके कैनार्ड्स ने इसे शार्प मैनूवर करने में मदद की। साथ ही इसका शक्तिशाली ISR रडार, जो कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ है, इसने राफेल को तेजी से टारगेट को पहचानने में मदद करी, वो भी लंबी दूरी से। साथ ही इसमें लगी अनबीटेबल मिच्योर मिसाइल ने सिमुलेटेड टारगेट को शूट किया, वो भी लंबी दूरी से। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना राफेल विमान को क्यों चुन रही है। और भले ही MRFA में देरी हो रही है, लेकिन 2025 तक राफेल का F-4 वेरिएंट भी आ जाएगा, जो कि और ज्यादा घातक और जबरदस्त फाइटर जेट होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों तवांग में जो घटना घटी थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में, ऐसे में दोस्तों खबर ये आ रही है कि भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ने जो आक्रमण किया, उससे कई चीनियों पर जानलेवा चोटें आई हैं। और कुछ ही मिनटों में चीन के ये जो PLA के सैनिक थे वो पीछे हटने लगे और कहा जा रहा है कि 10 या फिर हो सकता है 15 जो उनके सैनिक थे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ की जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में कुछ पारंपरिक हथियारों को शामिल किया था, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि इसमें रॉड है, डंडे हैं और करंट वाली कुछ रॉडे भी हैं, और ये जब इनके सर पे पड़ी हैं तो शायद बचना क्या, मरना इनका तय है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि चीनी लोगों को उस पॉइंट तक पीटा गया जहां से उनके कमांडर उन्हें निर्देशित कर रहे थे, और इसी वजह से अपने लोगों को बचाने के लिए चीनी सैनिकों ने हवा में गोली तक चला दी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध पर CIA चीफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की वजह से परमाणु युद्ध टला है, साथ ही भारत की विचारधारा से रूस भी प्रभावित हुआ। यानी CIA के चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूसियों पर असर पड़ा है, साथ ही परमाणु युद्ध को रोकने में भारत का बड़ा योगदान रहा। हालांकि दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत के मुरीद है, और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी के साथ मुलाकात भी की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित लॉयटरिंग म्यूनिशंस की खरीद की है। इस बारे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने वाइड रेंज ऑफ नीच टेक्नोलॉजी के लॉयटरिंग म्यूनिशन को शामिल किया है, जो कि जमीन और समुद्र आधारित वर्जन है, जिससे कि भारतीय नौसेना की जो टारगेटिंग क्षमता है वो बढ़ेगी। हालांकि इस बारे में कोई बात साफ नहीं की गई है कि ये जो लॉयटरिंग म्यूनिशंस है उन्हें भारतीय कंपनियों से खरीदा गया है या फिर इन्हें इम्पोर्ट किया गया है। बता दें कि ये जो लॉयटरिंग म्यूनिशंस होते हैं ये एक कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं,
इसलिए भारतीय नौसेना इनमें काफी रुचि दिखा रही है। हालांकि दोस्तों 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किसी एशियाई देश को, जिसमें कि नाम नहीं बताया गया था, उन्हें अपने हारोप लॉइटिंग मुनिशन के नौसैनिक संस्करण को दिया था। हारोप का इस्तेमाल नेवल प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है और ये सी मिसाइल्स का यानी कि समुद्री मिसाइलों का एक पूरक भी है, जिसका इस्तेमाल एक विस्तृत श्रृंखला में नौसेना कर सकती है, वो भी कम लागत में। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि भारत ने इसराइल से हारोप लॉइटिंग मुनिशन, जो कि नौसेना संस्करण वाले हैं, उन्हें खरीदा होगा। हालांकि भारतीय कंपनियां भी लॉइटिंग मुनिशंस को तैयार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उस पर लग सकता है क्योंकि तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना का स्पाई शिप यानी कि जासूसी जहाज युआंगवांग 5 हेलेन आइलैंड पर पहुंचा है और ये जो जासूसी वेसल है वो सुंदा और लॉन्गबॉक्स स्ट्रेट की मैपिंग करेगा। बता दें कि इसके डेटा का इस्तेमाल चाइना भविष्य में सबमरीन और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए करेगा, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया को सचेत होने की जरूरत है कि चाइना इस क्षेत्र की मैपिंग कर चला गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों टर्की लगातार ड्रोन के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है और इससे भारत को भी सबक सीखने की जरूरत है। आपको बता दें कि टर्की का बायराकटर TB2 ड्रोन, लगातार इस ड्रोन की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों इन्होंने अब एक और नया ड्रोन तैयार कर लिया है और उसकी पहली उड़ान भी पूरी कर ली है। इस ड्रोन का नाम किजिलेल्मा है। इसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि ये ड्रोन अपने एयरबेस पर वापस लौट रहा है। बता दें कि ये ड्रोन तुर्की के बाकी ड्रोनों के मुकाबले काफी तेज है और ज्यादा मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। जेट इंजन से लैस तुर्की का ये नया ड्रोन बाहर से देखने में पांचवी पीढ़ी के किसी लड़ाकू विमान की तरह नजर आता है। साथ ही तुर्की की तरफ से कहा गया है कि पारंपरिक ड्रोन मिशनों के अलावा किजिलेल्मा हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। हालांकि अभी तक ड्रोन ने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तुर्की के इन सस्ते ड्रोनों की मांग दुनिया भर में है। बैराकटर TB2 ड्रोन तो रूस यूक्रेन युद्ध में काफी प्रभावी साबित हुआ था। तो चीजें साफ हो जाती है कि भारत को भी ड्रोन इंडस्ट्री, खासकर की जो आम ड्रोन है, उनके लिए तेजी से इन्वेस्टमेंट करनी होगी। प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को और ज्यादा आगे लाना पड़ेगा, तभी हम ड्रोन मार्केट में प्रभुत्व बना पाएंगे और अपनी घर की जरूरतों को पूरा करते हुए इनको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी सीनेट ने $858 अरब के रक्षा खर्च को मंजूरी दे दी है और ये जो राशि राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा प्रस्तावित धनराशि से $45 अरब अधिक है। और यही नहीं दोस्तों, इस रक्षा खर्च में से $10 अरब ताइवान को और यूक्रेन को $80 करोड़ की रक्षा मदद भी शामिल की गई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चीन को उसी की भाषा में भारतीय सेना जवाब दे रही है, लेकिन भारत की जो रणनीति है वो और ज्यादा मजबूत है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री शिलिंग पहुंचे और कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि करीबन 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, देश को समर्पित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 4G टावर को भी देश को समर्पित किया है, जिसमें से 320 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 890 टावरों का निर्माण चल रहा है। क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू रहा है, वहां के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि नेटवर्क उनको नहीं मिल पाता, तो ऐसे में अब लगातार धड़ल्ले से टावर पर टावर लगाए जा रहे हैं। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी 4 अन्य सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा के कार्यक्रमों से रेड कार्ड का जिक्र भी किया, जिसके तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी तक हुए डेवलपमेंट को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका को नाटो सहयोगी देश ग्रीस ने बड़ा ऑफर दिया है। ग्रीस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर उनके देश को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मिलेगा तो वो यूक्रेन को अपने S-300 मिसाइल सिस्टम सौंप सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ग्रीस के इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया था। ग्रीस खुद अपने पड़ोसी देश तुर्की के खतरों का सामना कर रहा है, ऐसे में उसे अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। नाटो में शामिल होने के बाद रूस पहले से ही S-300 के पुर्जों की सप्लाई करना बंद कर चुका है। ऐसे में S-300 के बदले अमेरिका से पैट्रियट पाने की कोशिश ग्रीस कर रहा है। नाटो में शामिल होने के बाद ग्रीस के लिए रूसी हथियारों का बाजार बंद हो चुका है। अब वो पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के हथियारों पर निर्भर है। ऐसे में वो पुराने S-300 को यूक्रेन को सप्लाई कर अमेरिका के साथ एक अच्छी डील करना चाहता है। हालांकि दोस्तों ग्रीस के इस ऑफर पर रशिया भड़क गया है और रशिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा कि ग्रीस की सरकार यूक्रेन को हथियार देकर बड़ी भूल कर रही है, इस भूल के लिए ग्रीस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ग्रीस ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।